प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हिबास क्लोजेट। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई एम बैक विद माय लेटेस्ट कलेक्शन। जो आज का कलेक्शन होने वाला है वो है अलीजे प्योर शिफॉन का हैवी वेडिंग कलेक्शन है। बड़ा ही खूबसूरत है, 8 पीसेज हैं टोटल हमारे पास। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आप ये देख रहे हैं 8 पीसेज हमारे पास। खूबसूरत कलेक्शन है बहुत ये, और सबसे अच्छी बात है कि ओरिजिनल है। बहुत डिमांड आ रही थी कि ओरिजिनल पार्टी वेयर लेकर आइए, तो इससे पहले मैंने रमशा का भी ओरिजिनल एक अभी किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो ये अब नेक्स्ट मेरी वीडियो है अलीजे पे, ओरिजिनल है ये, प्योर शिफॉन है। तो ये देख लें, डिजाइन नंबर 1 अलीजे का, चेक कर लें, ब्लू शेड है ये, बहुत खूबसूरत कलर है। तो हमेशा की तरह पहले मैं आपको ट्राउजर दिखा देती हूँ। प्योर क्रेप के ऊपर ट्राउजर दी हुई है ये, फुल फैब्रिक होता है ट्राउजर में। तो ये देख लें, ब्लू शेड है। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखा देती हूँ। तो ये आप चेक कर लीजिए, इसकी शर्ट बड़ी खूबसूरत सी रेशम की का वर्क है पूरी शर्ट पे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत इसका, आप देख रहे हैं पूरा सीक्वेंस वर्क, जरी और रेशम सब इसमें मिला हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा कलर है, बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ये। तो ये पूरा आप चेक कर लीजिए, ये देख लें, ठीक है, ये हो गया, ऐसे हो जाएगा, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ओके। अब आप इसका ये बैक दामन वाला पार्ट देख लें, तो खूबसूरत सा बहुत दिया हुआ है ये। अब मैं आपको जो उसके इसमें पैचेस हैं वो दिखा देती हूँ। तो ये दिया हुआ है एक पैच, अच्छा 100% ओरिजिनल है ये, तो एक बड़ा खूबसूरत सा ये पैच है। अब मैं आपको इसकी दामन दिखा देती हूँ और स्लीव दिखा देती हूँ। स्लीव्स हैं, ये देख लें, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं ये, पूरा देखिए पूरा वर्क हो रहा है, प्लस फिर ये नीचे जरी है, सीक्वेंस है साथ में। तो ये आप देख लीजिए, स्लीव भी बहुत इनफ अच्छा फैब्रिक दिया हुआ है। फिर उसके बाद बैग दिखा देते हैं आपको। तो ये आप बैग देख लीजिए, बैग भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देख लें, ये पूरा वर्क हो रहा है जरी का इस पे और रेशम, ये देख लीजिए। और ये हो गया इसका दामन वाला पोर्शन। तो विड्थ वगैरह बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड साइज बनेगा इसमें, तो साइज के लिए परेशान ना हो, ये दामन वाला पोर्शन हो जाएगा। अच्छा, एक पैच इन्होंने ये दिया हुआ है, ये आप चेक कर लें, पैचेस बहुत अच्छी क्वालिटी दी है पैचेस की। तो ये देख लीजिए, ये दामन का पैच है, बहुत ही खूबसूरत, आप आगे पीछे इसको लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये है तो ये ऑर्गेंजा, बट ये वाला जो पार्ट है ये वेलवेट के ऊपर है सब, तो बड़ा कटवर्क के साथ इन्होंने बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है पैच, और काफी हैवी पैच है और काफी बड़ा पैच है। तो आप एक बार देख लें, बहुत प्यारे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स हैं, अगर आपके यहाँ शादी है किसी की या फिर ईद के लिए भी परफेक्ट रहेंगे। तो ये आप बैग देख लीजिए। अब मैं इसका बड़ा ही खूबसूरत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा दिखा देती हूँ, विथ टू साइड उन्होंने बहुत ही हैवी काम किया हुआ है, पूरे जरी का पूरा ये एम्ब्रॉयडर्ड है, प्योर शिफॉन के ऊपर है, ये आप चेक कर लें, ठीक है, इसका पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देख लीजिए। और जब अगर इस पे स्टिच होने के बाद पूरा जब आप एक्सेसरीज वगैरह लगवाएंगी तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। आप लोग हैं इतने प्यारे, आप बिना एक्सेसरीज लगवाए भी अगर इसे सिलवाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा आप लोगों के ऊपर ये। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 1, दुपट्टा पूरा 2.5 मीटर है, ठीक है। तो ये वन डिजाइन नंबर 1 मैंने दिखा दिया आपको। अब चलते हैं डिजाइन नंबर 2 की तरफ, ये देखना, क्लासिक ब्लैक, ठीक है, जब बुकिंग दें तो एक बार ये बता दीजिएगा, इसका कोट है क्लासिक ब्लैक, दिस इज डिजाइन नंबर 2 क्लासिक ब्लैक। ये बहुत हैवी सूट है, प्योर क्रेप में अगेन देखिए इन्होंने वही ट्राउजर दिया हुआ है। तो ये आप देख लें, ट्राउजर का फैब्रिक हो गया पूरा, चेक कर लीजिए। अब मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ इसका फ्रंट। तो ये देख लें आप इसका फ्रंट, ये कुछ फ्रॉक स्टाइल से लेगा सूट आपका, ठीक है। तो ये पहले तो आप देखिए इसकी, देख लें पूरा अनारकली टाइप कुछ ये इन्होंने काफी अच्छा दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है जैसे ये आप देख रहे हैं, इसी टाइप का है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये नीचे घेरे पर आएगा। पहले मैं आपको इसका ऊपर का पोर्शन भी दिखा देती हूँ, चोली वगैरह, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये देख लें, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये चोली पर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा जरी है, रेशम है
और सीक्वेंस वर्क नहीं है इसमें, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। देख लीजिए, ये पूरा जो आप पार्ट देख रहे हैं ये चोली वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये नीचे देखिए, नीचे ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये आपको समझ में आ गया ना, ये फ्रॉक स्टाइल से लेगा, ये हो गया ठीक है। अब मैं आपको इसके पैचेस दिखा देती हूँ। तो ये आप पैच देख लीजिए, ये घेरे के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा बड़ा पैच दिया है। तो मैं एक बात पहले ये बता दूं कि बहुत ज्यादा घेर वाला नहीं सिलेगा ये, नॉर्मल जो चलता है वही सिल पाएगा। तो ये जरी का पूरा है, देखिए इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा पैच दिया हुआ है पूरे घेरे के लिए ठीक है। तो ये पैच हो जाएगा। अब आप इसकी अगेन पीछे बैक देख लीजिए, सेम इन्होंने बैक दी हुई है ठीक है। तो ये बैक हो जाएगा, फ्रंट और बैक सेम है। तो ये बैक देख लीजिए, आप इसकी विड्थ चेक कर लीजिए, विड्थ बहुत अच्छी खासी दी हुई है। तो ये हो गया इसका बैक, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा दिया है। पूरे दुपट्टे पर जाल है, बूटियां हैं, बूटे हैं बीच में, 2.5 मीटर का दुपट्टा है। बेल लगने के बाद और भी ज्यादा गजब का लगेगा। बेल ना लगाएं तो पर्ल्स वगैरह आजकल बड़े अच्छे चल रहे हैं, लटकन्स वगैरह वो आप लगवा सकते हैं। ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सूट है, डिजाइन नंबर 2। ये डिजाइन नंबर 2 हो गया ठीक है। अब चलते हैं अपने डिजाइन नंबर 3 की तरफ। ये देख लीजिए, ये है हमारा डिजाइन नंबर 3 ऑटम ट्राइबल ठीक है। ये भी अगेन बड़ा खूबसूरत ब्राउन शेड पे दिया हुआ है कलर। पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी ट्राउजर, ये देखें, प्योर पे ट्राउजर दी है। उसके बाद शर्ट देख लेते हैं इसकी। ये देख लें, ये देख लीजिए आप इसका फ्रंट, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा फ्रंट वाला पार्ट है। बड़ा खूबसूरत सीक्वेंस है, और पूरा जरी है इसमें, सीक्वेंस और जरी का वर्क हो रहा है। ब्राउन शेड है, थोड़ा डिफरेंट शेड आया है ये ठीक है। ये देख लीजिए, अच्छा साथ में इन्होंने साइड पैनल्स दिए हुए हैं, क्योंकि आपको थोड़ा ये पतला लग रहा होगा तो थोड़ा सा ये डिफरेंट दिया हुआ है। तो मैं पहले तो साइड पैनल्स दिखा दूं, ये साइड पैनल्स लग के आपका प्रॉपर पूरा सूट हो जाएगा। आप देख लीजिए बड़ा खूबसूरत लगने वाला है ये सिल्के, कितने प्यारे साइड पैनल्स दिए हुए हैं ठीक है। तो ये एक साइड पैनल ऐसे अटैच हो जाएगा और एक और दिया हुआ है, तो ये देख लें, तो पूरा विड्थ हो जाएगी साइड पैनल्स लगने के बाद। ये देख लें, एक बार दिखा देती हूँ, तो ये दोनों साइड पैनल लग जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको साइड पैनल्स वाला पोर्शन। अब मैं आपको उसको नीचे का पूरा काम दिखा देती हूँ कि नीचे का कैसा काम दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए, पूरा जरी है ठीक है, और सीक्वेंस वर्क है। तो ये देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत है। साइड पैनल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप आपको ठीक है। तो ये साइड पैनल्स हो गए। अब मैं आपको जो पैचेस दिए हुए हैं तो वो पैचेस भी देख लीजिए आप। ये देख लें, एक पैच ये दिया हुआ है ठीक है, एक पैच ये दिया हुआ है खूबसूरत सा स्टोन्स के साथ, और ये है दामन का पैच। तो दामन का पैच काफी हैवी दिया हुआ है, आगे पीछे दोनों दामन का पैच है, ये बड़ा खूबसूरत सा है दामन का पैच। तो ये आप चेक कर लें, और ये हो जाएगी इसकी स्लीव्स। स्लीव्स भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड दी हैं, ये देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स हैं। अब मैं आपको इसकी बैक चेक करा देती हूँ। बैक पूरी आपकी विड्थ दी है बैक की, बैक के लिए कोई साइड पैनल्स नहीं है क्योंकि वो फुल विड्थ में है। तो ये आप बैक चेक कर लें, पूरा जरी और सीक्वेंस है इसमें। तो ये देख लीजिए, बैक का दामन भी पूरा अच्छे से इन्होंने कम्प्लीटली मेड किया है इस दामन को, और हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। तो फ्रंट भी एम्ब्रॉयडर्ड है फुली, बैक भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, बड़े ही हैवी सूट्स हैं ये। देखिए है लाइट वेट, लेकिन लुक जो है वो हैवी दे रहे हैं ठीक है। तो ये देख लीजिए, खूबसूरत सा पूरा 2.5 मीटर का दुपट्टा। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 3। चलते हैं डिजाइन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए डिजाइन नंबर 4 अलीजे के का डिजाइन नंबर 4 है ये ठीक है, मिराकी इसका कोड है, मिराकी डिजाइन नंबर 4। रस्ट शेड है,
बिल्कुल डिफरेंट शेड है ये। पहले तो आप देखिए, प्योर क्रेप में ट्राउजर है प्लस सेल्फ प्रिंट है इस पे, तो ये आपको नजर ही आ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए। बड़ा खूबसूरत प्रिंटेड ट्राउजर दिया हुआ है प्योर कपड़े के ऊपर, ठीक है। ये हो गया ट्राउजर। अब मैं आपको इसकी शर्ट का फ्रंट वगैरह दिखा देती हूँ, तो वो चेक कर लीजिए। ये देख लें, ये देख लीजिए, गले वाला पोर्शन हो गया ये। ये देख लें, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है ये सब जो आप देख रहे हैं, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, रेशम जरी सब कुछ है इसमें, सीक्वेंस भी लगा हुआ है साथ में, प्लस इसमें भी देखिए साइड पैनल्स दिए हुए हैं, वो मैं चेक करा देती हूँ अभी। पहले तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये देख लें, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है ये सब जो आप देख रहे हैं, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। ये बीच वाला पार्ट भी आप इसका चेक कर लीजिए। इसकी बैक दिखा देती हूँ मैं, बैक भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देख लें कितनी खूबसूरत इन्होंने बिल्कुल डिफरेंटली मेड किया है बैक को, बहुत ही प्यारी बैक है। और ये लाइट वेट सूट है, आपको लुक हैवी देंगे बट है ये लाइट वेट सूट। ये देख लें, अब इसके ये पैचेस दिखा देती हूँ, ये दामन पे लगेंगे पैचेस, खूबसूरत से पैचेस दिए हुए हैं, ठीक है, ये पैच हो गए। ये देख लीजिए, ये पार्ट दिया हुआ है, ये स्लीव्स के लिए हो जाएगा, बल्कि ये साइड पैनल के लिए पार्ट दिया हुआ है, स्लीव्स ये नहीं है। हाँ, ये देखिए शर्ट है ना, तो ये दोनों काफी हैवी फैब्रिक दिया हुआ है साइड पैनल्स के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कटकर एक साइड पैनल लग जाएगा, ठीक है, ऐसे ये कट के लगेगा, एक साइड पैनल ये हो जाएगा और एक साइड पैनल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो गई स्लीव्स, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हो गई, ये चेक कर लीजिए, खूबसूरत सी स्लीव्स दी हुई है। और ये हो गया दुपट्टा, ये आप दुपट्टा चेक कर लें, फुली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, खूबसूरत सा, ये देखें, तो ये दुपट्टा हो गया, बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारा दुपट्टा दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 4। चलते हैं डिजाइन नंबर 5 की तरफ। ये आ गया हमारा डिजाइन नंबर 5 जो वॉयलेट शेड के ऊपर दिया हुआ है, इसका कोट नंबर ही वॉयलेट है, ये देख लें, ये है कोट नंबर 5 वॉयलेट, ओके, ये देख लीजिए, ये हो गया इसका प्योर में बिल्कुल ट्राउजर, ठीक है, प्योर फैब्रिक पे बिल्कुल ट्राउजर दिया है, वॉयलेट शेड है, थोड़ा डार्क शेड है ये, बड़ा खूबसूरत कलर है, डिफरेंट शेड आया है बिल्कुल, ये देख लें, दिखा देते हैं इसकी, साइड पैनल्स के साथ देखिए ये सूट दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे दिखाने में। तो एक साइड पैनल आप देख रहे हैं ये हो गया, ठीक है, ये देख लीजिए मिडिल में आ जाएगा पूरा, ये मिडिल वाला पोर्शन हो गया। अब बाकी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये एक बार चेक कर लें, कभी कभी कुछ सूट्स काफी कंफ्यूजन दे देते हैं, समझ में नहीं आता, तो ये देख लीजिए, ये एक हो जाएगा इसका, ये एक पोर्शन हो जाएगा, और दूसरा पोर्शन भी दिखा देती हूँ, और एक पोर्शन इसका ये है, ठीक है, तो ये देख लें, समझ में आ गया आपको, ये 3 पीसेस में दिया हुआ है, तो ये मिडिल पैनल हो जाएगा, जब आपका टेलर स्टिच करेगा तो ये तीनों पीसेस जुड़ जाएंगे, तो मैं अलग अलग दिखा देती हूँ, पहले आपको इसका पूरा काम ये देख लें, ठीक है। अब मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, साइड पैनल्स का वर्क पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क दिया हुआ है पूरा, ये देख लें। अब मैं आपको पैचेस दिखा देती हूँ इनके, तो ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस है, ठीक है, पूरे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए हुए हैं दामन के लिए, ये हो जाएगी बैक, बूटों के साथ इन्होंने ये बैक दी है, ठीक है, ये बूटों के साथ बैक हो गई, स्लीव चेक कर लीजिए, तो ये स्लीव चेक कर लें, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पूरी स्लीव दी हुई है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, और ये है इसका दुपट्टा,
ये हमारा डिजाइन नंबर 5 है। ये आप दुपट्टा देख लीजिए, खूबसूरत सा दुपट्टा दिया हुआ है, ये देख लें। ठीक है, तो ये हो गया दुपट्टा, ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 5। अब डिजाइन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये देख लें डिजाइन नंबर 6, डिजाइन नंबर 6 ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ दिया हुआ है, तो ग्रीन दुपट्टा, कंट्रास्ट में दुपट्टा दिया है इसका। तो अगेन वही प्योर क्रेप पे देखिए ट्राउजर है इसका, 2.5 मीटर ही दिया हुआ होता है ट्राउजर का फैब्रिक। तो ये आप देख लें ट्राउजर, ये देख लीजिए इसका ट्राउजर। अब इसकी शर्ट दिखा देते हैं, तो ये देख लें, ये एक पैनल हो गया और एक पैनल ये हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे शर्ट आपकी कंप्लीट होगी। देख लीजिए पूरा सीक्वेंस वर्क है, जरी है साथ में और रेशम भी है। तो ये आप देख लें पूरी शर्ट बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने दी है, कंप्लीटली डिफरेंट कलर है ये और कंप्लीटली डिफरेंट वर्क हो रहा है इसके ऊपर, बहुत डिफरेंट लुक देने वाला है ये सूट आपको। तो ये हो गया, अब मैं आपको उसके पैचेस दिखा देती हूँ। तो ये दामन के पैचेस हैं, खूबसूरत से काफी ज्यादा हैवी और बड़े बड़े पैचेस दिए हुए हैं, तो पैचेस देख लीजिए। अब इसकी बैग दिखा देती हूँ, बैग भी बूटों के साथ दी हुई है, ये देख लें बैग। ठीक है, ये पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बैग है बूटों के साथ, सीक्वेंस वर्क और जरी है साथ में, ये देख लिया। अब स्लीव दिखा देते हैं, ये स्लीव हो गई, तो ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव है काफी, स्लीव चेक कर लीजिए बहुत ही हैवी दी हुई है। और ये हो गया इसका क्रीम शेड में दुपट्टा, ये देख लीजिए 2.5 मीटर का दुपट्टा है, सीक्वेंस वर्क, जरी वर्क सब कुछ है इसमें, तो ये देख लें। ओके, तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 6। नाउ 2 मोर सूट्स आर लेफ्ट, तो वो भी जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। डिजाइन नंबर 7 चारकोल मिस्ट, दिस इज डिजाइन नंबर 7। ये भी कंप्लीट डिफरेंट कलर आया है, कुछ ग्रेइश ब्लू टाइप शेड है ये साथ में, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हो गई इसकी ट्राउजर। अब आपको इसकी दिखा देते हैं, शर्ट दिखा देती हूँ, तो ये देख लीजिए आप शर्ट, ये देख लें आप इसकी शर्ट। ठीक है, खूबसूरत सी बहुत शर्ट दी हुई है, इसमें भी पैनल्स दिए हुए होंगे जरूर साइड में। तो ये आप पहले तो शर्ट का पूरा फैब्रिक देख लीजिए, शर्ट का वर्क देख लीजिए, खूबसूरत सा ग्रेइश ब्लू कलर है, ब्लैक और ब्लैक से और गोल्डन से सिल्वर से एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसमें। ठीक है, इनके पैचेस देख लीजिए, ये सैटन पे देखिए खूबसूरत से पैचेस मेड किए हैं इसके, तो ये पैचेस हो गए। ठीक है, ये पूरे पैचेस दिए हुए हैं, ये पैच देख लीजिए बहुत ही प्यारे पैच है साथ में, कंप्लीटली डिफरेंट पैचेस दिए हुए हैं, तो ये पैच हो जाएंगे। अब मैं आपको इसकी बैग दिखा देती हूँ, तो ये आप चेक कर लीजिए इसकी बैग, ये बैग का फैब्रिक है। ठीक है, ये देख लें, और बैग में फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो वो साइड पैनल्स के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बैग, काफी कपड़ा दिया हुआ है बैग में, और ये हो गई इसकी स्लीव्स, ये आप स्लीव्स चेक कर लीजिए। ठीक है, स्लीव्स हो गई है, ये देख लीजिए दोनों स्लीव्स मौजूद है इसमें, अब साइड पैनल्स के लिए फैब्रिक जो है बैक में ही दिया हुआ है। और ये हो गया इसका शिफॉन में हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा, अच्छा इसमें कोई स्टोन वर्क नहीं है, सिर्फ जरी से पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है ये, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 7, बस एक लास्ट सूट है तो वो भी जल्दी से कम्प्लीट कर देते हैं। डिजाइन नंबर 8 लास्ट पीस, ये देख लीजिए, अगर आप न्यूली वेड हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सूट,
बड़ा खूबसूरत सा शेड है। तो प्योर क्रेप में पहले तो आप इसका ट्राउजर चेक कर लीजिए, फिर इसकी शर्ट दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देख लें, ये देख लीजिए, ये फैब्रिक दिया हुआ है। प्लस मैं आपको पहले तो दिखा देती हूँ मिडिल इसका, ये देखने पहले तो, ये देख लीजिए, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये नेकलाइन वाला पोर्शन हो जाएगा इसका। तो ये चेक कर लीजिए नेकलाइन का पोर्शन, और ये हो गया दामन वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जो फैब्रिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो ये देख लीजिए, ये भी दिया हुआ है, ये एक फैब्रिक ये है, तो ये एज अ बैक आप यूज कर सकते हैं, ये साइड पैनल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये साइड पैनल्स है, और बीच में तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये सबके साइड पैनल्स दिए हुए हैं, तो विड्थ बहुत अच्छी दी हुई है, स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, इसके लिए ये साइड पैनल यूज होने वाले हैं। अब मैं आपको इसकी बैक दिखा देती हूँ, बैक चेक कर लें, ये हो गई इसकी बैक, ठीक है, सीक्वेंस वर्क में दी हुई है पूरी बैक, तो ये बैक चेक कर लीजिए। अब पैचेस दिखा देते हैं, ये पैचेस चेक कर लें, पूरे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए हुए हैं साथ में, स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स हैं, दोनों स्लीव्स हो गई हैं, ये देख लीजिए, दोनों स्लीव्स हो गई हैं, और ये पैचेस और दिए हुए हैं, तो वो दामन पे स्लीव्स पे आप लगवा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसका दुपट्टा रहता है, तो वो दुपट्टा भी जल्दी से दिखा देती हूँ, ये देख लें दुपट्टे, ये हो गया दुपट्टा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 8 डिजाइन्स, तो जो भी आपको इसमें से पसंद आए जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे बुकिंग दे दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आपको अगर मेरा कलेक्शन अच्छा लगा हो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊंगी एक जबरदस्त और गजब कलेक्शन के साथ। बाय।